नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अक्षय कुमार जिनको आप जानते हैं कि वो लगातार फिल्में करते रहते हैं और उनके जितनी फिल्में कोई करता नहीं है, जल्दी जल्दी फिल्में रिलीज करते हैं। अभी ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ आ रही है और सिंघम अगेन में उनका कैमियो है ही। तो इसके अलावा दोस्तों, जल्दी ही अपनी एक और नई फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है उन्होंने। जी दोस्तों, अक्षय कुमार सूर्य और विक्रम मल्होत्रा की फिल्म स्टार्टअप की रिलीज डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है। 12 जुलाई को ये फिल्म रिलीज की जाएगी, तो ये काफी बड़ी रिलीज होगी। सुधा कोंगरा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और दोस्तों, ये जो एयर डेकन के जो को फाउंडर थे, जो राम से गोपीनाथ, उनका ये बायोपिक है एक तरीके से। तो काफी बड़ी फिल्म ये होने वाली है और इसको कई बार पहले रिलीज डेट इसकी अनाउंस की गई थी, लेकिन बाद में पोस्टपोन कर दी गई थी। एक बार पहले पिछले वर्ष भी रिलीज कर रहे थे इसको, बाद में बीच में ओटीटी की खबरें भी आई थी कि ओटीटी पर रिलीज होगी। फिर इस साल भी जनवरी फरवरी में इसकी एक डेट डाली गई थी, लेकिन अब ये फाइनल डेट है तो 12 जुलाई को आएगी। तो लगभग बड़े मियाँ छोटे मियाँ में और इसमें लगभग 3 महीने का अंतर हो जाएगा। और फिर अगस्त में आ जाएगी सिंघम अगेन और उसके बाद में अक्षय कुमार की और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो आने वाली है। वेलकम टू द जंगल भी आएगी इसी साल और एक मराठी मूवी है जिसमें छत्रपति शिवाजी का रोल उन्होंने प्ले किया है, स्काई फोर्स भी आने की उम्मीद है। तो बहुत सारी फिल्में हैं उनके पास, 3 महीने के गैप पे ये रिलीज कर रहे हैं। तो स्टार्टअप एक वैसे तो अच्छी फिल्म है, लेकिन आजकल के टाइम में ऐसी फिल्में ज्यादा चलती नहीं है। ओटीटी का मैटर लग रहा है मुझे ज्यादा ये, क्योंकि ऐसी फिल्में आजकल ओटीटी पर ही पसंद की जाती है, थिएटर्स में ज्यादा लोग देखते नहीं है। लेकिन ठीक है, एक अलग फिल्म तो जरूर, अगर आप बायोपिक देखने में इंटरेस्टेड है तो एक अलग फिल्म आपको जरूर नजर आएगी, क्योंकि सोराराई पोटर की हिंदी रिमेक है और ये साउथ में तो सूर्या ने की थी, काफी बड़ी हिट हुई थी। अभी यहाँ पे ये कितनी बड़ी हिट होती है या नहीं होती है तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार है जो लगातार रिस्क लेते रहते हैं और एक के बाद एक फिल्म रिलीज करते रहते हैं। उनका मानना है कि शो मस्ट गो ऑन, तो लगातार मतलब बिजीएस्ट कलाकार है। देखते हैं किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है इस फिल्म को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम जी बोलेगा।